ओम नमः शिवाय। तो बहुत सी कमेंट्स आ रही हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें कि लोग कहते हैं कि हमें मोहिनी मंत्र नहीं, हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे कि हमारी प्रेमिका से या हमारे प्रेमी से हमारी शादी हो जाए। तो जो भी जिज्ञासु ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए जो कि उनकी साथी, उनके प्रेमी के साथ उनकी शादी करा दे, और ऐसा कोई मंत्र हो जो इस सपने को साकार कर दे, तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा मंत्र जो आपके प्रेमी को आपके प्यार में व्याकुल कर देगा, और दुनिया की कोई भी ताकत इस यंत्र को बनाने के बाद आपको आपके प्यार से मिलाने के बीच में अड़चन पैदा नहीं कर सकती। चाहे वो पारिवारिक हो, सामाजिक हो, कोई भी ऐसी शक्ति है ही नहीं जो इस चीज़ को रोक दे। आज सुबह जब मैं व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो वहाँ पर एक कमेंट देखी मैंने, एक मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी एक ऐसा प्रयोग बताएं, कुछ ऐसा बताएं जिससे कि प्रेमी से शादी करने में आसानी हो, कुछ ऐसा बताइए। आप हमेशा ये जो मोहिनी मंत्र बताते रहते हैं, आप कुछ ऐसा बताइए जिससे कि प्रेमी से शादी करना सरल हो जाए, आसान हो जाए। तो देखिए, जिसके भी दिल में सच्चा प्यार हो वो इस प्रयोग को कर सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने प्रेमी प्रेमिका से शादी करना तो ये प्रयोग आपके लिए ही बना हुआ है। आपको करना क्या है, अनार की कलम लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कलम का चयन कैसे करते हैं। पहले ज़माने में जो है पेन पेंसिल ये चीज़ें नहीं होती थी, तो क्या होता था कि टहनी ले लेते थे, कोई जैसे कोई पंख ले लिया करते थे, और इनको इन्फ्यूज़ किया जाता था, इनमें पावर्स डाली जाती थी। तो उसी तरह जो आकर्षण और अट्रैक्शन का जो काम है, जो सम्मोहन का काम है, वो अनार की कलम पे किया जाता है। अनार की पत्तियाँ, अनार की कलम, अनार का फल। अगर आप चाहते हैं कि आप अट्रैक्टिव बन जाएं, आप कुछ मत कीजिए, बस अनार खाइए, अनार का जूस पीजिए, आपके अंदर वो शक्तियाँ स्वतः ही जागृत हो जाएंगी। आप अपने आसपास एक ऐसा घेरा बना लेंगे जो उस रेडियस में आएगा, वो आपसे प्रभावित हो जाएगा, जो आपके प्रशंसा किए बिना रहेगा नहीं, बस आप ही की बातें करेगा। तो अगर आपको ऐसा चाहिए तो अनार वो पेड़, एक वो पौधा है जो आपको आकर्षण की शक्ति दिला सकता है। तो इस प्रयोग के लिए आपको चाहिए होगा अनार की कलम, मतलब एक टहनी तोड़िए, उससे एक कलम बनाइए, और उसको रोली मतलब कि सिंदूर से ये यंत्र आपको बना देना है। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं बिल्कुल ऐसा यंत्र, आपको ये फोटो स्टेट नहीं करना, ये आपको लिखना ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही आप लिखिए, चाहे तो बटर पेपर की सहायता ले सकते हैं, लेकिन आपको ये बनाना होगा। इसके बाद अपना और अपनी प्रेमिका का नाम लिख दीजिए इस यंत्र के पीछे, और 7 से 21 दिन तक ऐसे ऐसे 7 यंत्र आपको पानी में बहाने हैं। याद रहे, अभी सावन गए हैं और नदियाँ जो हैं वो अपने उफान पर हैं, बहती हुई आपको हर जगह मिल जाएंगी। तो किसी ऐसी नदी के पास जाइएगा और वहीं पर अपना यंत्र निर्माण कीजिएगा। जब आप ये यंत्र निर्माण करें तो चाहे शेर आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, जब तक ये यंत्र बन ना जाए आपको उठना नहीं है। अपना पूरा ध्यान यंत्र में लगाइए, एक एक शब्द में वो जादू भर दीजिए कि आपकी शादी 1 घंटे के भीतर भीतर उससे हो जाए। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं, बिल्कुल वैसा ही आपके साथ होता है। अगर आप इस बारे में पॉजिटिव सोचोगे और पॉजिटिव सोच के साथ ये करोगे तो मेरा यकीन मानिए, पहले ही दिन से आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। जहाँ बातचीत बंद थी वहाँ कॉल आने शुरू हो जाएंगे, जहाँ मनमुटाव था वहाँ पर रिश्ते फिर से सुधरने लग जाएंगे। और ये मैं सिर्फ कोई काल्पनिक बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैं लाखों लोगों पर आजमाने के बाद आपको बता रहा हूँ। ये मेरा बरसों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें कि ऊल जलूल बातें बता रखी हैं। सत्य अगर आपको जानना है, अगर आपको तंत्र की शक्ति देखनी है तो मेरे चैनल पे आइए। मैं नहीं कहूँगा आपसे कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए या बेल आइकन को दबाइए, बस आप देखिए मेरे वीडियोस,
मैं बस इतना चाहता हूँ कि तंत्र के बारे में जो भी रूढ़ियाँ फैली हुई हैं, जो भी आपको गलत प्रचार मिला है, वो दूर हो जाए, आपको तंत्र की परिभाषा समझ में आए कि ऐसा भी होता है, हम किसी को भी आकर्षित कर सकते हैं। बस हमें चाहिए तो ये कि थोड़ा सा विश्वास, और जैसा गुरु कहें बिल्कुल वैसा ही करें, उसके बाद जो चमत्कार है वो आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। चमत्कार करने की शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, ना ऊपर ना नीचे, जितना कहा है उतना कीजिए। ये यंत्र बनाइए अनार की कलम से नदी किनारे बैठकर, और जब ये यंत्र बनाए तो अपना पूरा ध्यान इसमें लगा दें और उन पूरी शक्तियों का आह्वान करें कि वो आकर सम्मिलित हों इसमें और आपकी सहायता करें। जो जो चीज़ें आपके जीवन में खराब हो रही हैं वो सारी दूर हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए, ऐसा सोचते हुए, सकारात्मक सोच को अपने पास रखते हुए जब आप यंत्र निर्माण करते हैं तो मेरा यकीन मानिए, परमेश्वर भी आकर धरती पर आपकी सहायता करते हैं। क्योंकि इस धरती पर कुछ ऐसी अदृश्य शक्तियां वास करती हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते, और जब हम कोई यंत्र निर्माण करते हैं तो वो हमारी सहायता करती हैं, और कुछ ऐसी दुष्ट शक्तियां भी होते हैं जो हमें रोकती हैं। लेकिन जब आप सकारात्मक सोच के साथ इसको बनाएंगे, किसी का अनिष्ट करने के लिए नहीं बनाएंगे, तो आपके साथ अच्छा ही होगा। जब आपका प्यार सच्चा हो तो जितनी भी सकारात्मक ऊर्जा है वो आपके साथ रहेगी। अगर आप किसी का अनिष्ट करने के लिए कर रहे हैं तो इसे ब्लैक मैजिक का रूप दिया जाएगा, इसमें आपका अनिष्ट भी हो सकता है। तो जब तक सच्चा प्यार ना हो, ये यंत्र निर्माण ना करें, और सिर्फ वही करें जो सच में चाहते हैं कि आपका जीवन साथी आपके साथ उम्र भर रहे, जो चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है ये कभी टूटे ना, वही मेरे इस यंत्र का प्रयोग करें। और महामोहिनी यंत्र का निर्माण जिस किसी ने भी एक बार कर लिया, यकीन मानिए जिंदगी में दूसरा प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लाखों लोगों का एक्सपीरियंस, अपनी खुद की समझ, ये सब कुछ देखने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार इसको आजमा कर ज़रूर देखिएगा, और जिस तरह के आपको रिजल्ट मिले, चाहे अच्छा मिले चाहे बुरा मिले, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यही वो सारी चीज़ें हैं जो मुझे प्रेरित करती हैं कि मैं आगे भी ऐसे ही रिसर्च करते रहूं। मैं चाहता हूं कि वो स्वर्णिम भारत जो आदिकाल में था, वो आज फिर से उस तंत्र जगत को जान पाए, उस तंत्र की शक्तियों को पहचाने जो लाखों साल पहले थी। आप किसी भी तरह की परेशानी में हो तो मुझे कॉल कीजिएगा 9999841625 पर। अब बात करते हैं आसन की, आहार की और दिशा की। तो जब भी आप दिशा का चयन करें, तो अगर कुछ समझ में ना आए तो सूरज की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। ये सबसे सरल विधि है, आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखिए सूरज कहाँ से निकलता है। आप मोबाइल में सबके कंपास होता है, उससे आप निर्धारित कर सकते हैं कि किस तरफ से सूरज निकलता है, उस तरफ अपना मुंह करके बैठ जाएं। इसके बाद भोजपत्र पे या फिर कोई भी कोरा कागज लीजिएगा, उस पे अनार की कलम से और रोली से, मतलब कि सिंदूर से, आपको ये यंत्र बना लेना है। इसके बाद अपने साथी का नाम पीछे लिखना है, अपना लिखना है, और 7 यंत्र आपको ऐसे बनाने हैं, रोज 7 यंत्र बनाकर पानी में बहाने हैं 7 से 21 दिनों तक। अगर काम 2 दिन में बन जाए तो भी आपको ये 21 दिनों तक पूरा करना है। 21 दिनों तक ये पूरा कीजिए, और जब आपका मनोरथ सिद्ध हो जाए, जब ये फलित हो जाए, जब आपका काम बन जाए, चाहे वो 2 दिन में बन जाए, तो यंत्र राज को नमस्कार करके आप जहाँ जिस स्थान पर आप थे, जैसे जिस नदी के पास आप थे, वहाँ पर थोड़ी सी मिठाई चढ़ाएं, उन शक्तियों का आभार व्यक्त करें जिन्होंने आपको ये शक्तियाँ दी और आपका जो भी मनोरथ था उसको सिद्ध करने में आपकी सहायता की। चाहे वो आपको दिखें ना दिखें, जिस स्थान पे आप ये कर रहे थे वहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करें। यंत्रराज को नमस्कार करके आप ये बहाते जाएं 7 दिनों तक, और जब ये बहाएं तो उसके बाद जिस नदी में आप ये बहा रहे हैं उनसे एक याचना करें कि आपके जितने भी यंत्र हैं उनको कारगर करें, ये जो भी आप चाहते हैं वो फलित हो,
कुछ जो भी आपके दिल में है वो कह सकते हैं, कुछ ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ वो करें, लेकिन जो भी आपको उस समय अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। आप नदी से बात कर सकते हैं, आप उस जगह से बात कर सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं, क्योंकि अदृश्य शक्तियाँ हमें दिखती नहीं है लेकिन होती ज़रूर है। तो आपको इस प्रयोग में सफलता मिले, इसी के साथ आज्ञा चाहूँगा। अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9992841625 पर, या कोई और मंत्र आपको चाहिए तो मुझे इस साइट पर आप विज़िट करके आप कॉन्टैक्ट अस में भेज सकते हैं। अगले वीडियो के लिए कौन सा कंटेंट होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए, आप मुझे इस वीडियो के चैट सेक्शन में डाल सकते हैं, जो कि प्रीमियर के टाइम में आपको दिखेगा। आप यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा अगला वीडियो मुझे बनाना है, या आप जिस भी विषय पर चाहते हो, चाहे वो षटकर्म से हो, यक्षिणी से हो, मोहिनी से हो, जो भी कर्म आपको सीखना हो, या फिर जो भी आप चाहते हैं वो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। सिर्फ प्रीमियर में मेरी कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा, उसके बाद आपको कमेंट करने के लिए searchstops.com पे जाना होगा। धन्यवाद।